हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आज हम हिंदी कक्षा 12-8 5-8 चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग, जिसके लेखक गांधी जी है, इसका दूसरा भाग जिसके अंदर उसके कुछ शब्दार्थ, पाठ का सार, प्रश्नों की चर्चा और व्याकरण हम लेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों की चर्चा करते हैं। शिक्रम, घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी। बहाना, नाम मात्र का कारण। निरा, बिल्कुल। अजनबी, अपरिचित। नियत, मनसा। बैठके, बैठने का स्थान। कोचवान, घोड़ा गाड़ी हाँकने वाला। जोर जबरदस्ती, बल प्रयोग, अत्याचार। तकरार, विवाद। देव, ईश्वर। झुंझलाना, खिंचना, बिगड़ना। मुखिया, प्रधान व्यक्ति। अपमान, अनादर, बेइज्जती। असमर्थ, असक्त, कमजोर। सिंचे, लोह का छोटा सा छड़। बलहीन, एकदम कमजोर। नाहक, अनायास। हरगिज, किसी भी हालत में नहीं। शर्मिंदा, लज्जित। घूरना, आंखें गड़ाकर देखना। बड़बड़ाना, गड़बड़ करना। तसली, ढांढस, दिलासा। बीती, घटित घटना। आश्वत, जिसे ढांढस बदा गया हो। आश्वासन, दिलासा। बेफिक्री, निश्चिंता। मुनासिब, उचित, ठीक। अब पाठ का सार लेते हैं। सबसे पहले चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग, गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग जा रहे थे। इस यात्रा की ट्रेन सेवा नहीं थी। यहाँ घोड़ों की शिक्रम से जाना पड़ता है और एक रात स्टैंडर्स में रुकना होता है। शिक्रम को हमारे यहाँ बग्घी कहते हैं या विक्टोरिया कहते हैं। शिक्रम से यात्रा, गांधी जी के पास शिक्रम का टिकट था और शिक्रम वाले का नाम अब्दुल्ला शेख ने तार भी किया था, पर शिक्रम वाले ने गांधी जी को पढ़ना परेशान करने के लिए उनसे कहा कि उनका वो टिकट तो रद्द हो चुका है। पर ऐसा था नहीं। शिक्रम से जाने वाले सभी यात्री शिक्रम के अंदर बैठते थे, पर शिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया गांधी जी की बैठक पर अंदर बैठ गया और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल वाली बैठक पर बिठा दिया, जबकि वहां उसे मुखिया को बैठना था। शिक्रम पहाड़ी को पहुंची तो गोरा मुखिया ने गांधी जी को और तंग करने की सोची। मुखिया ने चाहा कि जहां उसने गांधी जी को बिठाया था वहां से आकर वो बैठे, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा पैर रखने के पाटी पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वो अपनी बैठक से उठ जाए और उस बोरे पर बैठ जाए। गांधी जी कोचवान के बगल में बैठकर एक बार अपमान सह चुके थे। अब वो पैर रखने की जगह बैठने का अपमान सहने के लिए राजी नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ तो उन पर उस गोरे ने तमाचे बरसने लगे। उसके बाद वो गोरा गांधी जी की बाँह पकड़ उसे नीचे उतारने लगा। गांधी जी ने सिंचे को कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो उन्हें उतार नहीं सका। वो उन्हें मारता रहा और गालियां देता रहा। शिक्रम में बैठे साथ वाले यात्रियों में से कुछ को दया देखकर दया आई, उन्हें कहा कि वो उसे न मारे, उस बेचारे को अपनी बैठक पर बैठा रहने दो। उसे उस गोरे को मारना, गोरे ने मारना तो रुक गया पर वो गांधी जी को गालियां देता रहा। अब शिक्रम चलने लगी थी। वो गोरा बार बार गांधी जी को घूरता रहा, उन्हें धमकी देता रहा कि याद रख, स्टैंडर्टन पहुंचने पर तुझे मजा चखाऊंगा। बेचारा गांधी जी को डर लग रहा था कि वो जिंदा मुकाम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। रात हुई, शिक्रम स्टैंडर्ड में पहुंच गई। उन्होंने वहाँ कई हिंदुस्तानियों को देखा तो उसकी जान में जान आई। उन्हें तब और तसली हुई जब उन लोगों ने बताया कि वे लोग उन्हें लेने आए, तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें ईसा शेख की दुकान पर ले जाएंगे। गांधी जी उन हिंदुस्तानी के साथ ईसा शेख की दुकान पर पहुंचे। उन्हें लगा कि वे पूरी तरह सुरक्षित हुए। उन्होंने उन्हें रास्ते में घटी अपनी आपबीती बताई। उन्होंने गांधी जी को आश्वस्त किया। गांधी ने शिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पर पत्र लिखकर उस गोरे की शिकायत की जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वाले से गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए शिक्रम के अंदर की जगह देने का आग्रह किया। एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वो गोरा नहीं रहेगा। कल स्टैंडर्ड पर से बड़ी शिक्रम आएगी और उन्हें अन्य यात्री के साथ शिक्रम के अंदर जगह मिलेगी। इसके बाद वापसी के समय गांधी जी बिना किसी हैरानी जोहान्सबर्ग आ गए।
ये था पाठ का सार। अब उसके बड़े प्रश्न लेते हैं, पांच छह वाक्य में लिखिए प्रश्न। सिक्रम का टिकट रद्द होने का क्या रहस्य था? उत्तर, गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था, उसके अलावा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम तार भी कर दिया था। सिक्रम से सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया भी था, उसने गांधी जी से कहा कि उसका टिकट रद्द हो गया है। गांधी जी ने उसे बताया कि उनका टिकट सही है, पर गोरे मुखिया के मन में तो कुछ और ही था। उसकी दृष्टि में तो गांधी जी कुली थे, वो नहीं चाहता था वो गोरे जातवी के साथ बैठे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर गांधी जी की टिकट को रद्द हो गया बताया। इस प्रकार गांधी जी का सिक्रम का टिकट रद्द होने का रहस्य गोरे के बीच एक भारतीय के बैठने की असहनशीलता थी। प्रश्न दो, गोरा मुखिया गांधी जी के बीच झगड़ा क्यों हुआ? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय को कुली माना जाता था, गांधी जी भी भारतीय थे, वो सिक्रम से गोरे यात्री के साथ बैठे थे और गोरा मुखिया इसे सहन न कर सका। वो गांधी जी की बैठक सीट पर बैठ गया और उसने गांधी जी को कोचवान की बगलवाली बैठक पर बिठा दिया, जहाँ वास्तव में उसे बैठना चाहिए था। गांधी जी ने उसे अपमान को सहन कर लिया, बाद उसकी इच्छा वहाँ से बैठने की हुई तो जहाँ उसने गांधी जी को बिठाया था उसने मैला सा बोरा पैरने के पार्टी पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वो अपनी बैठक से उठ जाए और उस बोरे पर बैठ जाए। गांधी जी इस अपमान को बर्दाश्त न कर सके, इस बात पर गोरा मुखिया ने उससे उनका झगड़ा हुआ। प्रश्न थे, गोरा मुखिया ने गांधी जी की पिटाई क्यों की? उत्तर, गांधी जी कोचवान की बगल में बैठकर एक बार अपमान सह चुके थे, लेकिन जब गोरा मुखिया ने मुखिया से पार्टी पर मैले रखे, मैले से बोरे पर उन्हें बैठने की कहा, तो वो अपमान सहने के लिए राजी न हुए। इनके इनकार को गोरा मुखिया सह नहीं सका, क्रोधित होकर गांधी जी पर तमाचू की वर्षा करने लगा। गोरा मुखिया उनकी बाह पकड़ कर उन्हें नीचे उतारने लगा, पर गांधी जी ने सिक्रम से खींचो कसकर पकड़ रखा, इसलिए वो उन्हें उतार न सका, पर उन्हें मारता रहा इसलिए और गालियां देता रहा। इस प्रकार अपना आदेश न माने पर गोरा मुखिया ने गांधी जी की पिटाई की। प्रश्न चार, स्टेनलेस पर पहुंचने पर गांधी जी ने कैसा अनुभव किया? उत्तर, 400 से स्टेनलेस तक गांधी जी की यात्रा बड़ी कष्टदायक रही। गोरे मुखिया ने उन्हें बहुत परेशान किया, उसने उनका अपमान किया, पिटाई की और पहुंचने पर उन्हें मजा चकाने की धमकी देता रहा। बेचारे गांधी जी उससे बहुत डर रहता, उन्हें लगा कि वह मुक्का पर जिंदा पहुंच पाएंगे या नहीं। रात हुई और सिक्रम स्टेनलेस पर पहुंची, वहां गांधी जी ने कुछ भारतीय को देखा, तब उन्हें तसली हुई। उन्हें तब और तसली जब उन्होंने कहा कि वो उन्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाएंगे। इस प्रकार स्टैंडर पहुंच पर गांधी जी ने राहत की सांस ली। प्रश्न पाँच, गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी? उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ? उत्तर, अपमान के घूंट पीते हुए गांधी जी स्टैंडर से जोहान्सबर्ग पहुंचे। उन्होंने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखा, उसमें उन्हें उस गोरे की शिकायत की जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वाले से गांधी जी ने सुबह अपनी यात्रा के लिए सिक्रम के अंदर जगह देने का आग्रह किया। उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि वह कल वो गोरा नहीं रहेगा। कल स्टेशन से बड़ी सिक्रम आ गई, उसमें उन्हें यात्री के साथ सिक्रम के अंदर जगह मिलेगी। इस प्रकार एजेंट से गांधी जी के अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ। पाँच छः वाक्य के बाद आप दो चार वाक्य में उत्तर लिखिए, छोटे छोटे प्रश्न। प्रश्न एक, चार्लस्टन से जोहान्सबर्ग कैसे पहुंचा जाता है? उत्तर, चार्लस्टन से जोहान्सबर्ग जाने के लिए घोड़ों की सिक्रम पकड़नी पड़ती थी, बीच में एक रात स्टेशन से रुकना पड़ता था, इस तरह सिक्रम से चार्लस्टन जोहान्सबर्ग पहुंचा जाता था। प्रश्न दो, घोड़ा मुखिया कहाँ बैठता था? उत्तर, सिक्रम से यात्रा करने वाले लोग सिक्रम के अंदर बैठते थे, सिक्रम के बाहर कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो बैठकें थी, घोड़ा मुखिया उन बैठकों में से एक बैठक पर बैठता था। प्रश्न तीन, सिक्रम पारी पर पहुंची तो गोरा मुखिया ने गांधी जी से क्या कहा? उत्तर, चार्लस्टन से जोहान्सबर्ग की यात्रा में गोरा मुखिया ने गांधी जी को सिक्रम में कोचवान की बगल की बैठक पर बैठा दिया था। सिक्रम जब पारी पर पहुंची तो उसने सिक्रम के पैर रखने के पार्टी पर मैला सा बोरा बिछा कर गांधी से कहा कि सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। दक्षिण अफ्रीका में सामी कुली को कहते हैं। चार, सहयात्रियों ने गांधी जी का पक्ष लेते हुए क्या कहा? उत्तर,
गोरे मुखिया ने गांधी जी को अपने पैरों के पास बैठना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर गोरा गांधी जी को मारना और गालियां देने लगा। ये देखकर सहयात्रियों ने गांधी जी को पक्ष लेते हुए कहा, अरे भाई इस बेचारे को वहाँ बैठना रहने दो, उसे नाहक मत मारो, वहाँ नहीं तो हमारे पास अंदर बैठने दो। प्रश्नवाच, हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से क्या कहा? उत्तर, गोरा मुखिया ने स्टेशन पर पहुँचने पर गांधी जी को मजा चखाने की धमकी दी थी। रात को गांधी जी स्टेशन पहुंचे तो वहाँ कई हिंदुस्तानियों को देखकर उन्हें तसल्ली हुई। हिंदुस्तान भाइयों ने गांधी जी कहा, हमें आपको ईसा शेख की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, जोहान्सबर्ग पहुंचने के लिए रात कहाँ रुकना पड़ता था? जोहान्सबर्ग पहुंचने की एक रात स्टेंडर्टन में रुकना पड़ता था। दो, अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? उत्तर, अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पत्ते पर सिकरम वाले को तार किया था। तीन, गांधी जी ने किसे अन्याय माना? उत्तर, सिकरम में गांधी जी की बैठक अंदर थी पर सिकरम कंपनी का गोरा मुखिया उसकी बैठक पर अंदर बैठा और उसने गांधी जी को कोचवार की बगल में बिठा दिया, तो गांधी जी ने इसे अन्याय माना। चार, गोरा अंगुली दिखाकर क्या बड़बड़ाता? उत्तर, गोरा अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता, याद रख स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। पांच, गांधी जी को क्या देखकर तसली हुई? उत्तर, गांधी जी को सिकरम में रात को जब स्टैंडर्ट पहुंचे तो वहां उन्हें हिंदुस्तानी चेहरे देखकर तसली हुई। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सिकरम किससे चलती थी? उत्तर, ए बैलों से, बी घोड़ों से, सी ऊँटों से, डी गुलामों से। उत्तर है घोड़ों से। दो, गांधी जी को सिकरम में कहाँ बिठाया गया? ए यात्री के पास, बी घोड़े के पैरों के पास, सी कोचवान की बगल में, डी सबके पीछे। उत्तर आएगा सी कोचवान की बगल में। तीन, घोड़ा मुखिया बाहर निकल के क्या करना चाहता? पानी पीना चाहता था, बी कॉफ़ी पीना चाहता था, सी गांधी जी से जगाना चाहता था, डी सिगरेट पीना चाहता था। उत्तर आएगा डी सिगरेट पीना चाहता था। चार, गांधी जी भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? ए रक्षा के लिए, बी देशवासियों के हक के लिए, सी जोहान्सबर्ग पहुंचने के लिए, डी स्वतंत्रता के लिए। उत्तर आएगा ए रक्षा के लिए। और पाँच, दूसरे दिन गांधी जी को सिकरम में कहाँ जगह मिली? ए गाड़ी वाले के पास, बी यात्री के पास, सी गोरा मुखिया के पास, डी एजेंट के पास। उत्तर आएगा बी यात्री के पास। दोस्तों, इस पाठ में यह था पाठ का सार, उसके प्रश्न और विकल्प। अब जो व्याकरण आया है वो व्याकरण आपको इसमें से देखकर अपनी नोटबुक के अंदर इसके लिखना है, प्रश्न के उत्तर भी लिखना है और नोटबुक तैयार करने की है। और जब भी आपको बोला जाए तो नोटबुक आपको अपने पेरेंट्स के हाथ स्कूल में भेजने का है, जिसमें हम चेक करके सही भी करेंगे और आपको इसका इंटरनल मार्क्स के लिए इसकी नोट भी कराई जाएगी। तो ये था गांधी जी पाठ, और इसके व्याकरण के प्रश्न आप इसमें देखकर अपनी नोटबुक के अंदर तैयार कर लीजिएगा।